पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत की और इसके पीछे दो बड़े पिलर्स थे, एक थे सेठ मानिकचंद और दूसरे थे वीरजी वोरा। वीरजी वोरा सूरत के एक बहुत बड़े होलसेल ट्रेडर थे। इनफैक्ट कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उनका जिक्र दुनिया के सबसे रिचेस्ट ट्रेडर ऐसा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बिजनेस चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके ही लोन पर डिपेंड रहना होता था। आप ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल था। वीरजी के इतने सक्सेसफुल होने का राज था उनका लोकेशन और उनकी बिजनेस टेक्निक। जो भी माल दूसरी कंट्री से इंडिया आता था, जैसे कि मिर्च, हल्दी, इलायची, उसे वो डच ट्रेडर से खरीद लेते थे, फिर मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट करके उसे ज़्यादा दाम पर बेच देते थे, और इसीलिए उन्हें ब्रिटिशर्स सोल मोनोपोलिस्ट के नाम से जानते थे। एक ब्रिटिश रिकॉर्ड में उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा है, द टाउन सूरत इज़ वेरी एम्प्टी ऑफ मनी, वीरजी वोरा इज द ओनली मास्टर ऑफ इट, नन बट वीरजी वोरा हैज़ मनी टू लेंड एंड विल लेंड। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था। उन्होंने जुन्नर, जो कि मुगलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था, उसे अपने कब्जे में कर लिया और इसमें कई सारी मुगल आर्मी मारी गई। मराठाओं के इन कॉन्स्टेंट अटैक्स की वजह से औरंगजेब परेशान था, इसलिए उसने शाइस्ता खान को डेक्कन का वॉइसरॉय बनाया और उसे ऑर्डर किया कि जाओ और शिवाजी को जैसा पनिश कर सको करो। और फिर शाइस्ता खान अपनी बहुत बड़ी मुगल आर्मी लेकर औरंगाबाद से अहमदनगर के रास्ते पुणे निकल पड़ा और वो पुणे जाकर रुक गया। लगभग 3 साल शाइस्ता खान पुणे में ही रहा। इस दौरान उसने मराठाओं का मावल रीजन बहुत बुरी तरीके से लूट लिया और बहुत सारी फर्टाइल जमीन भी खराब कर दी। शाइस्ता खान पुणे से बाहर जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए खुद शिवाजी महाराज ने एक रात उस पर एक डेरिंग अटैक किया। उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो वहां से बचकर भाग गया और पुणे छोड़कर चला गया। और इन 3 सालों में शाइस्ता खान की वजह से मराठाओं की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हुई, और इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों का रिवेंज लेने के बारे में सोचा। जो फाइनेंशियल लॉस मुगलों ने मराठाओं का किया था, उसे उन्होंने मुगलों से ही रिकवर करने का प्लान बनाया। सूरत उस टाइम दुनिया के सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक था और मुगलों का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर भी। यहाँ का पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में होने वाली ज़्यादातर ट्रेडिंग यहीं से होती थी, और मुगल्स को यहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स भी मिलता था, और इसीलिए शिवाजी महाराज ने इसी सिटी को लूटने का प्लान बनाया। 5 जनवरी to 10 जनवरी 1764 के बीच मराठाओं ने सूरत को लूटा, और इस लूट में मुगलों को काफ़ी नुकसान हुआ। जो मनी लेंडर्स मुगल को पैसा लोन पर देते थे, उन्हें भी इस लूट में लूटा गया, और इनमें से ही एक थे वीरजी वोरा। इस लूट में वीरजी वोरा का काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। इस लूट के बाद वो फिर से अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश ही कर रहे थे, तो 1670 में मराठाओं ने फिर से सूरत लूटी, और इसमें वीरजी वोरा का लगभग सब कुछ खत्म हुआ, और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा पिलर गिर गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही अपनी मोनोपोली बनाई। ऐसा लग ही रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सभी ने हार मान ली है, तभी जन्म हुआ एक ऐसे बिजनेसमैन का जिन्होंने आगे चलकर इंडियन बिजनेसेस की नींव रची, और उनका नाम था द्वारकानाथ टागोर, जो कि रविंद्रनाथ टागोर के ग्रैंडफादर थे। ऐसा कहा जाता है कि द्वारकानाथ टागोर का नाम लिए बिना इंडियन बिजनेसेस की हिस्ट्री पूरी हो ही नहीं सकती। उन्हें इंडिया के सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से जाना जाता है, और द्वारकानाथ टागोर की सबसे इंपॉर्टेंट बेट थी कोल। साल 1814 से कलकत्ता में कोल की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके चलते विलियम जोन्स ने बर्दवान में कोल माइनिंग शुरू की,
जिसके लिए उन्होंने वहाँ की रानी से 99 एकड़ जमीन लीज पर ली। इस जगह को बाद में रानीगंज का नाम दिया गया। लेकिन विलियम जोन्स कहीं ना कहीं उन माइंस को सक्सेसफुली चलाने में फेल हुए। उनकी माइंस लगातार लॉसेस पर लॉसेस बुक किए जा रही थी। इसी के चलते जिस कंपनी ने उन्हें लोन दिया था, यानी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, उन्होंने उन कोल माइंस का पोजीशन अपने हाथ लिया और खुद उन कोल माइंस को चलाना शुरू किया। अलेक्जेंडर एंड कंपनी शुरुआती सालों में बहुत सक्सेसफुल रही। उन्होंने जल्दी उन माइंस को प्रॉफिटेबली बनाया और तेजी से उसे एक्सपांड करना भी शुरू किया। बट 1832 में वो भी फेल हुए। और यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उस टाइम कलकत्ता में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके लिए ज़रूरत थी कोल की। और यहीं पर उन्होंने अपना दाव लगाया। उन्होंने अपनी कंपनी कार टैगोर एंड कंपनी के जरिए उन कोल माइंस को अक्वायर किया। ब्लेयर बी किंग अपनी बायोग्राफी पार्टनर इन एम्पायर में कहते हैं कि रानीगंज के कोल माइंस को खरीदना द्वारकानाथ टैगोर के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था। वो अपने इस कोल माइनिंग के बिजनेस को सक्सेसफुली चला ही रहे थे तब आई कंपटीशन। जैरम होमफ्रे और इर्स्काइन ब्रदर्स ने भी कोल माइनिंग का बिजनेस शुरू किया और जल्द ही इन तीनों कंपनी के बीच टफ कंपटीशन होने लगी। जल्द ही इस कंपटीशन ने एनवी और फाइट का रूप लिया और ये तीनों कंपनीज एक दूसरे पर लॉसूट्स फाइल करने लगी। द्वारकानाथ टैगोर को लगा कि अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी इस सिचुएशन का फायदा ले सकती है, और इसीलिए उन्होंने होम फ्रेज की कंपनी को खरीद लिया और बंगाल कोल कंपनी की स्थापना की। द्वारकानाथ टैगोर के बिजनेस का एक ही उसूल था, कैसे भी करके कंपटीशन को खत्म करो और मोनोपोली क्रिएट करो। उस टाइम कलकत्ता में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही थी और वो चाहते थे कि वहां पर यूज होने वाला सारा कोल उनका ही हो। लेकिन किसी इंडियन की इतनी सक्सेस ब्रिटिशर्स कैसे देख सकते हैं? इसीलिए द्वारकानाथ टैगोर के सक्सेस से वो काफी नाखुश थे, क्योंकि अब तक कोई भी इंडियन बिजनेसमैन ब्रिटिश कंपटीशन को खत्म करके मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाया था। इसे रोकने के लिए ब्रिटिशर्स अलग अलग करतूतें करने लगे। उन्होंने आज के आसाम में कोल माइंस पर काम करना शुरू किया। जब उन्हें इसमें सक्सेस नहीं मिला तो उन्होंने बाहर से भारी मात्रा में कोल को इंपोर्ट करना शुरू किया, ताकि मार्केट में कोल का सप्लाई बढ़ जाए, जिससे कोल की प्राइसेस कम हो जाएगी और द्वारकानाथ टैगोर की कंपनी बंगाल कोल कंपनी को बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर कोई और बिजनेसमैन होता तो वो पैनिक हो जाता। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर भी कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ऐसी करतूतों को कैसे हैंडल करना है। ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट किया हुआ ज्यादातर कोल वो खुद ही खरीदने लगे और उसे खुद ही बेचने लगे। ऐसा करके उन्होंने ट्रेड वॉर पूरी तरह से जीत लिया। आगे जब ब्रिटिशर्स को अपनी वॉरशिप्स के लिए कोल की अर्जेंट जरूरत थी तो उन्हें वो कोल किसी और कंपनी से नहीं बल्कि बंगाल कोल कंपनी से ही खरीदना पड़ा। इस तरह द्वारकानाथ टैगोर ने डंके के चोट पर इस ट्रेड वॉर को जीता। रानीगंज की ये कोल माइंस आज भी ऑपरेशनल है और इसे आज गवर्नमेंट कंपनी कोल इंडिया ओन करती है। 1842 में जब एक बार वो लंदन गए थे तब उन्हें आइडिया आई कि हम रानीगंज और कलकत्ता के बीच रेलवे लाइंस बना सकते हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से रानीगंज का जो कोल है वो कलकत्ता तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने ग्रेट वेस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी की स्थापना की। लेकिन ब्रिटिशर्स ने द्वारकानाथ टैगोर की सक्सेस को फ्यूचर रिस्क समझते हुए इस रेलवे लाइन को परमिशन नहीं दी। ये तब की बात है जब इंडिया में कहीं पर भी रेलवे लाइंस नहीं थी। जिस तरह द्वारकानाथ टैगोर ने समय की डिमांड को समझते हुए कोल के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, उसी तरह से आप भी जीरोदा के थ्रू अपनी पसंद की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोदा इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है, जो इंडिया में जितने भी रिटेल ऑर्डर एक दिन में किए जाते हैं उनका 50% से ज्यादा हैंडल करता है। और इंडिया में जीरोदा ही ऐसा ब्रोकर है जिसके पास इन्वेस्टमेंट एप्स का एक इकोसिस्टम है जो आपके स्पेसिफिक नीड्स के लिए जरूरी है। जीरोदा तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्मूथ और फ्लॉलेस बनाता ही है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि इन्वेस्ट किस में करना है। तो सही स्टॉक को सही समय पर चूज करने के लिए आपके पास सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, और इसी के लिए हमने अपना ऐप कन्वे बनाया है। कन्वे ऐप इंडिया का एक ऐसा ऐप है जो आपको बिजनेस और फाइनेंस की न्यूज सही टाइम पर और आसान शब्दों में देता है, जिसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफी मदद होती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जीरोदा और कन्वे ऐप को जरूर चेकआउट करें। टैगोर फैमिली पहले से ही इतनी रिच नहीं थी।
द्वारकानाथ टैगोर ने बचपन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इस एम्पायर को अकेले खड़ा किया था। साल 1807 में जब वो 13 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी जो भी जमीन थी उसे वो संभालने लगे। उस टाइम ब्रिटिशर्स नए नए एक्ट्स ला रहे थे जिसे समझना जमींदारों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। द्वारकानाथ को पता था कि अगर हमें जमींदारी करनी है तो जुडिशियल लॉज और रिवेन्यू लॉज को समझना होगा, क्योंकि अगर कोई जमींदार उन रिवेन्यू लॉज को सही से नहीं समझता है और अपना रिवेन्यू पेमेंट सही से नहीं करते थे तो ब्रिटिशर्स उनकी जमीन नीलाम कर देते थे। और इसीलिए कुछ साल उन्होंने जुडिशियल सिस्टम और रिवेन्यू लॉज को डिटेल में समझा। वो उसमें इतने बड़े एक्सपर्ट हुए कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके पास सजेशंस के लिए आने लगे और इस एक्सपर्टीज की मदद से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और इन पैसों से धीरे धीरे जमीन खरीदना शुरू किया और बाद में अलग अलग बिजनेसेस भी शुरू किए। सिर्फ कोल माइंस ही नहीं, द्वारकानाथ टैगोर ने कई सारे अलग अलग बिजनेसेस शुरू किए। वो किसी बैंक के पहले इंडियन डायरेक्टर थे। उन्होंने कुछ ब्रिटिश पार्टनर्स के साथ मिलकर यूनियन बैंक की शुरुआत की और ये आज का यूनियन बैंक नहीं है। द्वारकानाथ टैगोर का ये आरोप था कि ब्रिटिश बैंक्स पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रही है और इंडियन को सपोर्ट करने के लिए किसी बैंक की जरूरत है, इसलिए उन्होंने यूनियन बैंक की शुरुआत की थी। इसके साथ उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस भी शुरू किया था और साथ ही ओपीएम बिजनेस भी शुरू किया था। उस टाइम इंडिया से बहुत सारा ओपीएम चाइना को एक्सपोर्ट होता था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी और इसी मोनोपोली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ओपीएम ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन हालांकि उन्हें इस बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने कुछ और बिजनेसमैन के साथ जुड़कर टी कल्टीवेशन का बिजनेस भी शुरू किया था जो आज भी एग्जिस्टेंस में है और इस कंपनी का नाम है आसाम कंपनी। उनका तेजी से बढ़ रहा ये बिजनेस एम्पायर पूरी तरह से थम गया जब 1846 में उनकी डेथ हुई। जब उनकी डेथ हुई तब वो सिर्फ 51 ईयर्स के थे और इतने छोटे से टाइम स्पैन में जो उन्होंने अचीव किया था वो ट्रूली रिमार्केबल था। उनके जाने के बाद उनके एम्पायर को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था क्योंकि उनके आगे के जनरेशन का फोकस आर्ट और कल्चर पर था। सेवन सेंचुरी में इंडिया से 2800 किलोमीटर दूर पर्शिया में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आगे चलकर 19th, 20 और 21st सेंचुरी में इंडिया की बिजनेस की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। इस अकेले इंसिडेंट का पूरे इंडियन बिजनेस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट सभी को हैरान कर देने वाला है। सेवन सेंचुरी तक पर्शिया में यानी आज के ईरान में ज़ोरोअस्ट्रियन रिलीजन के लोग रहते थे। साल 642 में ससानियन एम्पायर और अरब फोर्सेस के बीच फाइट हुई जिसमें अरब फोर्सेस की जीत हुई और इस फाइट के बाद अरब फोर्सेस ने ज़ोरोअस्ट्रियन लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। कुछ टाइम उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया लेकिन कोई सलूशन न मिलने के बाद उन्होंने वहां से भागना शुरू किया। पहले वो पर्शियन गल्फ में रुके लेकिन वहां पर भी उन पर अत्याचार जारी रहे और फिर समंदर के रास्ते कुछ पारसी सिंध पहुंचे तो कुछ दीव पहुंचे और बाद में इनमें से ही कुछ पारसीज इंडियन बिजनेसेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए जिसे हम आगे जानेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं।